particle is projected from horizontal plane xz where y axis is along vertical such that its velocity at time t is v vector दिया हुआ है हमको velocity का dear students और ये जो velocity का हमको v vector दिया हुआ है इसकी value भी हमको दी हुई है यहाँ पे ये है अल्फा आई कैप प्लस बीटा माइनस गामा टी जे कैप तो ये वेलोसिटी वेक्टर हमको डियर स्टूडेंट्स दिया हुआ है और हमको बोल रहा है रेंज पूछ रहा है हमको व्हाट विल बी दी हॉरिजॉन्टल रेंज राइट अब क्वेश्चन को करने के लिए ना डायग्राम बना लेता हूँ मैं पहले तो डायग्राम हमने बना लिया ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है ये वी वेलोसिटी वेक्टर मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे ये वी वेलोसिटी वेक्टर है अब वी वेलोसिटी वेक्टर मेरे को दिया है अल्फा आई कैप प्लस बीटा माइनस गामा टी जे कैप कि जे कैप को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगी मेरे पास टर्म अल्फा आई कैप बीटा जे कैप है ना और माइनस गामा टी जे कैप माइनस गामा टी जे कैप अब ये वेलोसिटी है किसी टाइम पे अच्छा किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी वी वेक्टर इक्वल्स टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इनटू टी यही तो वेलोसिटी होती है किसी भी टाइम पे राइट तो अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो आप तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया मेरा यू वेक्टर इनिशियल स्पीड का वेक्टर ये पूरा का पूरा क्या हो गया मेरा गामा ये हो गया मेरा ए वेक्टर है ना और टी एज इट इज़ और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जैसे ये दे हुआ है ना माइनस गामा तो माइनस गामा जे कैप समझ में ही बात तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा माइनस गामा जे कैप ठीक है और यू एक्स ये हमारा हो जाएगा यू एक्स ये वाले पार्ट मतलब यू एक्स का मतलब ये हमारी स्पीड है क्योंकि आई कैप लिखा ना यहाँ पे तो अल्फा हमारी इनिशियल स्पीड है एक्स डायरेक्शन में राइट और बीटा हमारी इनिशियल स्पीड है जे डायरेक्शन में तो इसको वेक्टर के टर्म्स में लिखो तो ये हो जाएगी यू एक्स आई कैप और वो हो जाएगा बीटा जे कैप तो हमारे पास इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन पता है इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन पता है और एक्सेलरेशन जो कि माइनस जे कैप डायरेक्शन में ठीक है अब मेरे को चाहिए रेंज रेंज का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स रेंज का फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू टू यू साइन थीटा यू कॉस थीटा बिकॉज साइन टू थीटा क्या होता है साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा है ना तो यू स्क्वायर को हमने यू इन टू यू लिख लिया साइन टू थीटा को हमने टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख लिया और अपॉन में जी आ गया अब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएंगी ये क्या आ जाएगा यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा क्या होता है बेटा यू साइन थीटा होता है इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन और यू कॉस थीटा होता है हमारा इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन नीचे जी एज इट इज़ आ गया मेरे पास अब हमारे पास इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन है इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन भी है ये दोनों वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि हमको रेंज का मैग्नीट्यूड ही चाहिए बस तो अल्फा बीटा तो यू एक्स यू वाई की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे अल्फा बीटा वैल्यू टू एज इट इज़ आ जाएगा ग्रेविटी हमको क्या दे रखी है गामा सिर्फ मैग्नीट्यूड सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस का साइन यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं तो यहाँ गामा हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी टू बीटा अल्फा अपॉन गामा Thank you for watching.